आज मैं ऐसी एक चीज बना रहा हूँ खास तौर से वेजिटेरियंस के लिए। बनाने के लिए सबसे पहले एक निहारी मसाला बनाते हैं। अब निहारी मसाला आमतौर पे मिल जाता है मार्केट में, बट अगर आपको घर पे बनाना है तो क्या करेंगे? ये फुली हुई चना दाल, गैस को धीमे रखते हैं, धनिया होल ये लीजिए, साथ साथ सौंफ ये लीजिए, जीरा, लोग शाही जीरा भी डालते हैं, खसखस ये लीजिए, लौंग, इसके साथ साथ काली मिरी। अब ये देखिए कितनी सारी चीजें जा रही है, सारी चीजें वो जो सर्दियों में गर्माहट पैदा करे। बिल्कुल, ये जावित्री, जी हाँ, बादियान, चक्री फूल ये लीजिए, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, क्या बात है, कलौंजी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, कड़वाट आ जाएगी, एंड फाइनली शाही जीरा, और उसके साथ साथ ये गरम मसालों में दालचीनी, लाल मिर्च सूखी, तेज पत्ता एलर्जी, और जिंजर पाउडर। अब इसमें मैं थोड़ा सा नटमेग पाउडर ये डाल लेता हूं, यहां से पीस लेते हैं इसे, बिल्कुल पाउडर। चलिए जी, बढ़िया पाउडर पिस गया, आप ऐसे ही रखेंगे, खुशबूदार पाउडर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे घी। वाह क्या बात है, सर्दियों में घी खाएंगे जी, खाएंगे बिल्कुल, मज़ा तभी आएगा। थोड़े से प्याज भूनेंगे, मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये डाल लेते हैं, इसके साथ साथ लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी, धनिया पाउडर ये भी डाल लेते हैं, हल्दी एलर्जी, निहारी का मजा लेना है, आटा थोड़ा सा ये डाल लेते हैं। अब जो है असली मटेरियल तो अब निकलेगी, आह ये बड़े चम्मच डाल दिए हमने दो निहारी के इसमें, और ये जो सोए हुई चीजें हैं यहाँ पे मेरे पास, ये भी बहुत पानी पीती हैं, इनको भिगो के रखा हमने, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे ही ग्रेवी पक रही है उसके साथ साथ ही डाल देंगे, ताकि बिल्कुल अंदर तक रस्सा जो है उसमें मसाला जो है अंदर तक पहुँच जाए। वेजिटेरियंस जो है उन्होंने सोचा नहीं होगा आज तक कि भाई ये तो बन सकती है। ये लीजिए जिंजर जूलियन और बरिस्ता जैसे कहते हैं ये, लो जी सारी चीजें डल गई। मैं भी यही सोचूं कि मसाले की खुशबू आ रही है लेकिन एनर्जी क्यों मिस हो रही है, मिस होगी जी, ये पिटारे को हमने अभी तक हाथ नहीं लगाया। ओ जी नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक क्या बात है। हेलो जी फुल ऑन कंप्लीट हो गई जी, इसे छोड़ देंगे लगभग 12-15 मिनट तक टू फिनिश ऑफ। नींबू, जी हाँ, धनिया का डलना बड़ा जरूरी है। हेलो, और मैं आपको बताऊं लखनऊ वगैरह में बारीक कोई नहीं काटता जी, बड़ा यूनिक फॉर्मूला है जी। ये धनिया डाल लिया जी मोटा मोटा काट के, सर्व करने के लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया पाव है, और इन्हें काटेंगे नहीं। लुक एट दिस मैन, मजा आ गया जी। फाइनली थोड़े से ब्राउन प्याज, पाव बिल्कुल ये गरम, आहा मोड़ा कॉम्बिनेशन, क्या बात है। फूड फूड इट्स सिज़लिंग।